हाँ जी, तो इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे टाइम डायलेशन यानी कि समय अंतराल, बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टाइम डायलेशन जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, ठीक है, यानी कि रिलेटिव मैकेनिक्स या कह लें कि आइंस्टीन वाली जो मैकेनिक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ चुके हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने ये जाना था या ये पढ़ा था कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट होता है मतलब कि अगर दो अलग अलग फ्रेम में कोई इवेंट हो रहे हैं, तो दोनों का जो टाइम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, ठीक। वहीं पर जो ये आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी है वो ये कहती है, कि जो टाइम है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो ये कहती थी कि जो टाइम है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे, देखेंगे कि जो टाइम है वेलोसिटी पर डिपेंड कैसे करता है। उसके पहले हम ये स्टेटमेंट थोड़े से पढ़ लें कि ये टाइम पर वेलोसिटी, जो टाइम है वेलोसिटी पर डिपेंड कैसे कर रहा है, क्या क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है और क्या रिलेटिव मैकेनिक्स कह रही है, रिलेटिविटी थ्योरी कह रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिलेटिविटी थ्योरी डिपेंड जो के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, और क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि टाइम एब्सोल्यूट होता है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट होता है। हमने ये जाना है कि जो लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो कब आए हैं, जब जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल होती है। तो रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि यदि कोई एक इवेंट एक ऐसे फ्रेम में हो रहा है जो रेस्ट में है, और सेम इवेंट एक ऐसे फ्रेम में हो रहा है जो कि मोशन में है, और उसकी जो मोशन है यानी कि उस फ्रेम की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है, तो वो फ्रेम के अंदर जो टाइम शो होगा जो मोशन में है सेम इवेंट का, वो होगा स्लो, किसके कंपैरिजन में, उस फ्रेम के कंपैरिजन में जो रेस्ट में है। वापस से बोल रहा हूँ एक बार, रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि कोई एक इवेंट को दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाए, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो कि रेस्ट में है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मोशन में है, और उसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में है, तो उसमें नोट किया गया टाइम कौन से में, जो मोशन में है, तो मोशन वाले में नोट किया गया टाइम उस इवेंट का वो धीरे होगा, किसके कंपैरिजन में धीरे होगा, मतलब घड़ी धीरे चलेगी वहाँ पर, किसके कंपैरिजन में, जो फ्रेम किस में है, रेस्ट में है। इसको हम दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि मेरे पास कोई एक फ्रेम है, एस फ्रेम है जो कि रेस्ट में है, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक इवेंट हो रहा है। इवेंट में हम क्या कर रहे हैं, ये बॉल है, इस बॉल को मैं इन दोनों फिक्स पॉइंट्स के बीच में उछाल रहा हूँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है, 150 मीटर है, और यहाँ पर मैंने घड़ी लगा दी। यहाँ पर जब बॉल यहाँ पर थी तो ये टाइम होगा कोई T1, और ये कोई टाइम होगा T2, यानी कि बॉल यहाँ से गई और वापस यहाँ पर ही आके गिर गई, ठीक है, और इसको ऐसा होने में कितना टाइम लगा, मान लेते हैं कितना टाइम लगा, 20 मिनट लगा। कितना टाइम लगा, 20 मिनट। ये कब लगा, जब ये फ्रेम किस में था, रेस्ट में। अब मैंने क्या किया, सेम ऑब्जर्वर को उठाकर भेज दिया एक स्पेसक्राफ्ट में। ये क्या है, ये है स्पेसक्राफ्ट, क्या है, स्पेसक्राफ्ट। तो सेम ऑब्जर्वर को उठाकर भेज दिया कहाँ पर, स्पेसक्राफ्ट में, और अपने साथ ही अपने जितना भी तामझाम है वो सब लेके चला गया, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कर रहा था रेस्ट वाले फ्रेम में, इसको लेकर ये कहाँ चला गया, इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर चला गया। अब स्पेसक्राफ्ट है, इसकी जो स्पीड है वो कंपेरेबल है किसके, लाइट की स्पीड के, मतलब इसका 50% हो सकती है, इसका 60% हो सकती है, इसका 70% हो सकती है, जो भी हो सकता है वो है। फिर वापस से इसने इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर, जो स्पेसक्राफ्ट मोशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से मोशन कर रहा है, यहाँ पर इस बॉल को इसने उछाला और घड़ी का टाइम नोट किया। तो उछालने से लेकर और वापस यहाँ आने तक इसने देखा, जो घड़ी जब रेस्ट वाले फ्रेम में 20 मिनट ले रही थी, यहाँ पर ये कितने ले रही है, 10 मिनट ले रही है। कितने ले रही है, 10 मिनट। इससे क्या मतलब निकल रहा है, इससे मतलब ये निकल रहा है कि ये जो घड़ी है जो मूविंग फ्रेम के अंदर है, स्लो चल रही है, धीरे चल रही है। दूसरा, जब ये रेस्ट में था तो इसको, इस ऑब्जर्वर को ये दिख रहा था कि जो जहाँ से इसने बॉल को उछाला है वहीं आकर वापस बॉल आकर गिरी थी, जबकि जो मोशन वाला फ्रेम है उसके अंदर इसको क्या नज़र आएगा कि ये जो बॉल का पाथ है ये कुछ इस तरह से बन गया, ये जो बॉल का पाथ है ये कुछ इस तरह से बन गया। तो यही कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का, कि यदि कोई सेम इवेंट को दो अलग अलग फ्रेम में देखा जाए, एक फ्रेम रेस्ट में है, दूसरा फ्रेम मोशन में है, और जो मोशन वाला फ्रेम है उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है,
तो जो मोशन वाला फ्रेम होगा उसमें जो नोट किया गया टाइम है, या ऐसा कह लूँ जो मोशन वाला फ्रेम होगा उसमें रखी घड़ी स्लो चलेगी किसके कंपैरिजन में, जो रेस्ट वाला फ्रेम है। अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो मैथमेटिकली इसका प्रूफ कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपको कैसे लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी थ्योरी पर डिपेंड करता है, इसके अकॉर्डिंग टाइम वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जबकि क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग टाइम एब्सोल्यूट होता है। फिर मैंने यहाँ पर बताया इट मींस यदि कोई एक इवेंट एक ऐसे फ्रेम एस में हो रहा है जो रेस्ट में है, जो कि यहाँ पर दिखाया है, और सेम इवेंट ऐसे फ्रेम एस प्राइम में हो रहा है जो मोशन में है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट, तो जो जो कि वी वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि वी वेलोसिटी लाइट के कंपेरेबल है, तो एस फ्रेम में टाइम एस के कंपेरिजन में, एस फ्रेम में टाइम एस के कंपेरिजन में क्या होगा, स्लो चलेगा, यानी कि उसकी घड़ी तो टाइम स्लो नोट करेगी। अब मैथमेटिकली प्रूफ इसका देखें तो मैथमेटिकली प्रूफ के लिए हमने दो फ्रेम कंसिडर कर लिए, एक फ्रेम हमने कंसिडर किया एस और एक फ्रेम कंसिडर किया हमने एस प्राइम। जो एस प्राइम है वो वी वेलोसिटी से चल रहा है, किसके रेफरेंस में, एस के रेफरेंस में, ठीक है। एस प्राइम वी वेलोसिटी से चल रहा है किसके कंपैरिजन में, एस फ्रेम के रिलेटिव, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो v है ये कंपेरेबल है लाइट की स्पीड के, v कंपेरेबल है लाइट की स्पीड के, यानी कि जो इसकी स्पीड होगी या तो 50%, 60%, 70% जितना भी होगी, लाइट की स्पीड से इसको कंपेयर किया जा सकता है। अब हमने मान लिया कोई इवेंट है P, जो कि कहाँ पर हो रहा है, S प्राइम फ्रेम में हो रहा है, ठीक है, जो कि कहाँ पर हो रहा है, S प्राइम फ्रेम में हो रहा है। ये कुछ भी हो सकता है, मान लो कोई पिक्चर चालू हुई और ख़त्म हो गई, है ना, ये कोई पिक्चर चल रही है ऐसा हमने मान लिया, और उस पिक्चर चलने के इवेंट को हमने नाम दिया पी। यहाँ पर कोई एस प्राइम फ्रेम के अंदर कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और वो नोट करता है अपनी घड़ी में कि जब ये पिक्चर चालू हुई तो टाइम था इसका T1 प्राइम, और जब ये पिक्चर ख़त्म हुई तो इसका टाइम था T2 प्राइम। पी इवेंट के चालू होने का और ख़त्म होने का जो टाइम है उसने अपनी घड़ी में नोट कर लिया, ये उसके पास घड़ी रखी हुई है। तो यहाँ जो टाइम इंटरवल आएगा, यानी कि ये पूरी पिक्चर ख़त्म होने का जो टाइम टोटल अगर वो निकालेगा, तो उसको लिखा मैंने किससे, Δt प्राइम से, और ये Δt प्राइम किसके बराबर होगा, T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम के बराबर होगा, ठीक। तो टाइम इंटरवल इन एस प्राइम फ्रेम, तो ये कितना हो जाएगा, Δt प्राइम इज़ इक्वल्स टू T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम, और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ T1 प्राइम क्या है, इस P इवेंट के, यानी कि पिक्चर के चालू होने का समय, और T2 प्राइम क्या है, इस P इवेंट के ख़त्म होने का, यानी कि पिक्चर के ख़त्म होने का टाइम। अब सेम इवेंट को कौन देख रहा है, ये वाला ऑब्जर्वर देख रहा है, और इसने नोट किया अपने टाइम, चालू होने का टाइम नोट किया T1 और ख़त्म होने का टाइम किया T2, यानी कि इसका टाइम इंटरवल को मैंने लिख दिया Δt से, और ये बराबर हो गया किसके, T2 माइनस T1 के, ठीक है। तो टाइम इंटरवल फॉर एस फ्रेम के लिए अगर टाइम इंटरवल लिखेंगे तो उसको लिखा हमने Δt से, और वो किसके बराबर आ गया, T2 माइनस T1, और इसको लिख दिया हमने इक्वेशन सेकंड। अब हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है। तो फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि जो टी प्राइम है वो बराबर होता है गामा टाइम्स ऑफ टी माइनस Vx/c². यहाँ पर जो Vx होता है वो वेलोसिटी होती है x डायरेक्शन में, वो y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है, हमने हमारे सुविधा के लिए इसमें लिया हुआ है, x में लिया हुआ है। t टाइम होता है रेस्ट वाले फ्रेम का, t डैश प्राइम होता है कौन से वाले फ्रेम का, मूविंग फ्रेम का। गामा की जो वैल्यू है हम जानते हैं कितनी होती है, गामा एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू 1/√1 - v² / क्या होती है, c² होती है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम वैल्यू निकालेंगे T1 प्राइम की और T2 प्राइम की। तो T2 प्राइम की वैल्यू गामा T2 - Vx/c², लाइट की स्पीड कांस्टेंट रहेगी और वो जो एस प्राइम फ्रेम है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3।
इसी तरह से टी वन प्राइम जो होगा वो कितना होगा, गामा टी वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और ये हो गई इक्वेशन नंबर चार। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन तीन में से चार को क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, तीन में से चार को माइनस कर दूँगा। माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम, गामा कॉमन आ गया, एक बार के लिए मैं लिख देता हूँ, गामा टी टू माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस गामा टी वन माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको फर्दर जब सॉल्व करोगे क्या बनेगा, देखो गामा टी टू माइनस गामा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, फिर माइनस गामा टी वन, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, गामा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये कट गया यहाँ से, ये मर गया, तो बचेगा क्या, गामा, ये बचेगा टी टू माइनस टी वन, और यहाँ बचेगा टी टू डैश या टी टू प्राइम माइनस टी वन प्राइम। हमने पढ़ा कि टी टू माइनस टी वन प्राइम जो है वो डेल्टा टी के बराबर है, और टी टू प्राइम माइनस टी टू डैश प्राइम माइनस टी टू टी वन प्राइम ये किसके बराबर है, डेल्टा टी प्राइम के। तो डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू गामा इंटू डेल्टा टी, हमारे पास ये रिलेशन यहाँ से बन के आया। ठीक है, अब ये डेल्टा टी वन प्राइम जो था वो किसका टाइम इंटरवल था, ये था एस डैश फ्रेम का या एस प्राइम फ्रेम का जो मोशन में था। डेल्टा टी किसका टाइम इंटरवल था, जो किसमें था, रेस्ट में था, जो किसमें था, रेस्ट में था, क्योंकि गामा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, एक होती है, एक से ज़्यादा होती है, सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और डेल्टा टी प्राइम बराबर है गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, इसका मतलब डेल्टा टी प्राइम हमेशा बड़ा होगा किससे, डेल्टा टी से, और डेल्टा टी प्राइम जो है वो कहाँ का टाइम इंटरवल है, एस फ्रेम का, एस प्राइम का, और ये कहाँ का टाइम इंटरवल है, एस का। इसका मतलब जो एस प्राइम फ्रेम है जो कि मोशन में है उसमें होने वाले इवेंट का टाइम, उसमें अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसमें होने वाले इवेंट का टाइम इंटरवल या उसमें जो घड़ी लगी हुई है वो स्लो चलेगी किसके कंपैरिजन में, जो घड़ी लगी हुई है कहाँ पे, रेस्ट वाले फ्रेम में, और उसमें वो इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है। अब ये जो फॉर्मूला बना है इसके क्या क्या, कैसे, इसका मतलब क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा है डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी, तो गामा जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है वन अपॉन अंडर रूट वी माइनस वी, वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, मैं कहूँ कि यदि इफ़ वी लेस देन लेस देन लेस देन सी, यानी कि वी की वैल्यू सी के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो वी अपॉन सी की जो वैल्यू है वो लगभग कितनी हो जाएगी, जीरो, और लगभग जीरो हो जाएगी, इसका मतलब गामा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, तो गामा की वैल्यू वन हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे को क्या दिखेगा कि डेल्टा टी प्राइम बराबर क्या हो गया, डेल्टा टी, यानी कि दोनों फ्रेम के अंदर जो टाइम इंटरवल है वो क्या आएगा, सेम आएगा। और ये किसका स्टेटमेंट है, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स का या गैलीलियन मैकेनिक्स का स्टेटमेंट है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैलीलियन मैकेनिक्स में। ठीक है, तो ये कौन सी मैकेनिक्स बन जाएगी, गैलीलियन या न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो जाएगी, अब जो किस कंसेप्ट पे काम करती है कि जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम है, तो उस केस में जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर बात करें इफ़ वेलोसिटी जो है वो कंपेरेबल है ना, मान लेते हैं हम कह देते हैं कि वेलोसिटी है वो 50% है। ठीक है, 50% है किसके, लाइट की स्पीड के, या 80% लिख देता हूँ, 80% है, तो इसका मतलब v अपॉन c जो है उसकी वैल्यू होगी कितनी, 80/100, यानी कि कितना हो गया, 8/10, यानी कि कितना हो गया, 4/5। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम 4/5 लिख रहे हैं, 4/5 लिखेंगे तो डेल्टा जो गामा की हम वैल्यू निकालेंगे, गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√1 - v² / c² तो घटने वाली चीज़ बढ़ेगी, घटने वाली चीज़ बढ़ेगी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गामा की वैल्यू निकल के आएगी एक से ज़्यादा। तो इस केस में डेल्टा टी प्राइम ज़्यादा आ जाएगा किससे, डेल्टा टी से। और ये अगर ऐसा होता है, यानी कि वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपेरेबल है, तो ये जो कौन सी मैकेनिक्स हो जाएगी, ये हो जाएगी आइंस्टीन वाली मैकेनिक्स, यानी कि रिलेटिविस्टिक थ्योरी यहाँ पर लगेगी। तीसरी बात हम करते हैं कि यदि वेलोसिटी बराबर हो जाती है सी के, तो जो गामा है, गामा कितना होता है, 1/√1 - v² / c² तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/0 = ∞ हो जाएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला है डेल्टा टी बराबर गामा डेल्टा टी,
ये भी क्या शो करेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि जो मोशन वाला फ्रेम है उसमें जो घड़ी है वो काम ही करना बंद कर देगी, और ये पॉसिबल नहीं है, यह पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी चीज़ की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, उसके कंपेरेबल हो सकती है। किसी भी बॉडी की या वस्तु की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, उसके कंपेरेबल हो सकती है, उसके कंपेरेबल हो सकती है। क्योंकि अगर वो स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो गई तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से जो टाइम इंटरवल है उसका वो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, यानी कि काम ही नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन का, जिसके अंदर हमने देखा कि यदि कोई इस फ्रेम एक ऐसे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मोशन कर रहा है, मोशन उसकी है जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के क्या है, कंपेरेबल है, तो उस केस में यदि कोई इवेंट को देखा जाए कहाँ से, मोशन वाली जगह से और रेस्ट वाली जगह से, तो मोशन वाली जगह पर जो घड़ी है वो रेस्ट वाले के कंपैरिजन में क्या चलेगी, स्लो चलेगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन कहते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों के साथ उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके और हमारी रीच और लोगों में भी पहुंच हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।